यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ भले ही जीरो टॉलरेंस की नीति बताकर सूबे से भ्रष्टाचार खत्म करने का दावा करते हो, लेकिन प्रदेश में कुछ ऐसे विभाग भी हैं जिन्हें बिना किसी डर के लगातार भ्रष्टाचार जारी है। जी हां, ताजा मामला रायबरेली से सामने आया, जहां एक प्रसूता ने चिकित्सकों पर प्रसव के बाद बच्चा देने के नाम पर 500 रुपए मांगने का आरोप लगाया। आपको बता दें कि कुसुमा देवी ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खीरो में एक नवजात को जन्म दिया, जिसके बाद वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने बच्चा देने के नाम पर उनसे रुपयों की मांग की और जब प्रसूता ने पैसे देने से इनकार कर दिया या फिर असमर्थता जताई तो वहां के कर्मचारियों ने उसे गुमराह करने की कोशिश की। ऐसे में यहां बड़ा सवाल यह है कि जब जिले में लगातार इस तरह के मामले प्रकाश में आते हैं तो जिम्मेदार अधिकारी आखिर चुप्पी साधे क्यों बैठे हैं।